जो दृश्य आज देखने को मिला है ये संविधान को कलंकित करने वाला दृश्य है। संवैधानिक नियमों के तहत संवैधानिक पदों की कुछ गरिमा, कुछ कानून, कुछ कायदे मानने पड़ते हैं, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना ने आज दिल्ली को शर्मसार किया है। अगर आपको ये सब नौटंकी करनी थी तो फिर शपथ लेने की जरूरत नहीं थी। एक भ्रष्टाचारी जो जमानत पर छूटा है उसे आप ईमानदारी का टैग लगाना चाहती हैं, जो संभव नहीं है। और जिस तरह की नौटंकी आप बता रही हैं कि खड़ाऊ रखेंगे और ये रखेंगे, दिल्ली में आजकल सब जगह रामलीलाएं हो रही हैं। मैं रामलीला वालों से कहूँगा, कहीं भ्रष्टाचार की लीला होती है तो इन सब नौटंकी वालों को बुलाओ और इनसे काम कराओ। तो सरकार क्यों चलाते हैं? आप पहले दिन नौटंकी कर रही हैं, आप बताती ना कि दिल्ली की सड़कें कब ठीक होंगी। आपको बताना चाहिए था बिजली के बड़े हुए बिल मैं वापस कैसे कराऊँगी, दिल्ली के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा वो मैं कैसे ठीक करूँगी, दिल्ली में नालों की सफाई नहीं हुई है वो मैं कैसे ठीक करूँगी, 10,000 से ज़्यादा मार्शल आप लोगों ने निकाल के फेंक दिए उनकी नौकरी मैं कैसे वापस करूँगी, हेल्थ उसमें डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो स्थाई लोग हैं उनको पक्का करने की बात थी उनको मैं पक्का कैसे करूँगी, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। ये क्यों दिल्ली वालों को धोखा देना है, दिल्ली वालों को लूटना है और इस तरह की नौटंकी दिखा के दिल्ली वालों को शर्मसार करना है।